good morning children now we are going to continue with the same chapter that is chapter 7 internet part 2 in second part we will know about the other three topics they are types of internet connection browsing the internet using link and search engine let's start with the first topic that is type of internet connection type of internet connection different types of connection are used to connect the internet these are डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन है जो इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं वो कौन से हैं फर्स्ट वन डायल कने इनऑर्डर टू अस दिस इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर द यूजर टू लिंक देअर फोन लाइन टू कंप्यूटर इस इंटरनेट को असेस करने के लिए यूजर यानी हमें हमारे फोन लाइन को कंप्यूटर से एक लिंक से कनेक्ट करना होगा इन दिस केस द यूजर कैन नॉट मेक और रिसीव फोन कॉल थ्रू फोन होम सर्विसेस इस केस में यूजर यानी हम ना तो कॉल कर सकते हैं और ना ही कॉल रिसीव कर सकते हैं जब हम ये सर्विस यूज कर रहे होंगे लेट सी द इमेज ऑफ दिस वन दिस इज द इमेज ऑफ अप कनेक्शन नाउ मूविंग फर्दर ब्रॉड बैंड कनेक्शन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन हैज़ अ वाइड बैंड विथ इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम इन दिस कनेक्शन इस कनेक्शन में जो बैंडविथ है वो सबसे ज्यादा हाई है ये सबसे ज्यादा हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करता है इट हैज हायर स्पीड दैन डायलप कनेक्शन इसकी स्पीड डायलप कनेक्शन से थोड़ी ज्यादा है यू कैन ईजिली शेयर पिक्चर वीडियो ऑडियो डाउनलोड प्रोग्राम्स विद इन अ फ्यू सेकेंड आप पिक्चर वीडियो प्रोग्राम्स कुछ सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हैं लेट सी द इमेज ऑफ दिस वन मूविंग फर्दर नाउ केबल टी वी कनेक्शन इन दिस केस यू कैन असेस इंटरनेट थ्रू केबल टी वी लाइन्स आप इस केस में इंटरनेट केबल टी वी लाइन से असेस कर सकते हैं इट प्रोवाइड्स वेरी फास्ट असेस टू इंटरनेट ये दूसरे कंपेयर टू उससे थोड़ा फास्ट इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है किसी डाइलप कनेक्शन से नो मूविंग फर्दर सैटेलाइट देयर आर एरिया वेयर द ब्रॉडबैंड फैसेलिटी इज नॉट अवेलेबल ऐसे बहुत सारी एरिया हैं जहाँ ब्रॉडबैंड फैसेलिटी अवेलेबल नहीं है द सेटेलाइट डिश इज यूज टू प्रोवाइड अस टू द इंटरनेट इसलिए सेटेलाइट यूज होती है सेटेलाइट डिश यूज होती है हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए लेट सी द इमेज ऑफ सेटेलाइट ऑल्सो नाउ लेट सी दन अनादर वन यू कैन सी हाउ द सेटेलाइट इज प्रोवाइडिंग द इंटरनेट टू अस ना मूविंग फॉर्द डी एस एल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डी एस एल प्रोवाइड असेस टू द इंटरनेट थ्रू टू वायर कॉपर टेलीफोन लाइन ये हमें इंटरनेट कैसे असेस करता है टू वायर कॉपर टेलीफोन लाइन से यू कैन मेक और रिसीव कॉल वाइज यूजिंग दिस इंटरनेट कनेक्शन आप कॉल कर भी सकते हैं और कॉल रिसीव भी कर सकते हैं इस इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करके जस्ट लाइक द ब्रॉडबैंड सर्विस यू नीड टू पे सम मंथली फीस फॉर अक्सेसिंग द इंटरनेट जैसे ब्रॉडबैंड में हम कुछ फीस मंथली फीस पे करते थे इंटरनेट सर प्रोवाइड करनी हमें प्रोवाइड होने के लिए उसी तरह आपको डी एस एल में भी कुछ फीस पे करनी पड़ेगी आपको इंटरनेट मिल सके ताकि आप इंटरनेट आपको प्रोवाइड हो सके आप अक्सेस हो सको इंटरनेट से नो मूविंग फॉर्द वायरलेस इन दिस केस द मोड ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ द इंटरनेट इज द रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें जो मोड है इंटरनेट को कनेक्ट करने की वो रेडियो फ्रिक्वेंसी है इट ऑफर्स इवन ग्रेटर स्पीड ऑफ इंटरनेट इसकी स्पीड डाइलप कनेक्शन और केबल टी वी इनसे थोड़ी ज़्यादा है यू विल रिसीव द ग्रेट स्पीड ऑफ़ इंटरनेट कनेक्शन यू नीड टू कनेक्ट अ वाई फाई मॉडम टू योर कंप्यूटर आपको एक वाई फाई मॉडम आपके कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ेगा वंस द मॉडर्म इज कनेक्टेड यू कैन असेस इंटरनेट एट एनी लोकेशन कवर्ड अंडर नेटवर्क कवरेज एरिया जैसे ही आपने मॉडेम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया है तो आपको जो इंटरनेट है वो किसी भी लोकेशन में आप बैठ कर उसे कनेक्ट कर सकते हैं बट वो उस कवरेज एरिया के अंडर ही होना चाहिए नाउ सी द इमेज ऑफ द वाई फाई

इट ऑल्सो प्रोवाइड विथ हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी वो हमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं मूविंग फर्दर नाउ हॉटस्पॉट इट इज इंटरनेट अस प्रोवाइडेड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ये वो साइट है जो शॉर्ट डिस्टेंस में इंटरनेट प्रोवाइड हो सकता है इट यूज वाईफा टेक्नोलॉजी यह वाईफा टेक्नोलॉजी यूज करता है कंप्यूटर्स असेस इंटरनेट थ्रू रेडियो वेब्स ये थ्रू रेडियो वेव से हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है दिस हॉट स्पॉट्स कैन भी कॉमर्शियल फ़ोन बेस्ड और फ्री या तो ये कॉमर्शियल हो सकते हैं या तो फ़ोन बेस्ड हो सकते हैं या तो फ्री यू कैन फाइंड दैम एट कॉलेज यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट्स कैफेज एंड होटल्स आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज कैफेज होटल यहाँ पर आपको ये वाई हॉट स्पॉट डेफिनेटली मिलेगा लुक्स इन टू द पिक्चर दिस इज दी वाई फाई हॉट स्पॉट

या तो वो टेक्स्ट में चेंज हो जाता है या बटन या इमेज में वंस यू मूव द माउस पॉइंटर ओवर दैम द पॉइंटर चेंज इट्स शेप्स टू हैंड सिम्बल शेप पॉइंट जैसे अब आप माउस को उस पर ड्रैक करोगे तो उसका सिम्बल चेंज हो जाएगा वो हैंड शेप में आ जाएगा वैन यू क्लिक द लिंक इट विल टेक यू टू द होम पेज ऑफ दैट वेबसाइट जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो वो उस वेबसाइट के वेब पेज पर पे आपको लेकर जाएगा Now let us see how the mouse pointer change into symbol hand symbol. Let me you can see. Moving further, now search engine. Search engine is a software which help you to search variety of the web page on a particular topic. Search engine एक ऐसा software है जो आपको help करता है किसी भी आपको जो भी search करना हो उस के ऊपर web page पे बहुत सारे topics आपको एक साथ वो शो करता है यू नीड टू एंटर द रिलेटेड टू रिक्वायर्ड टॉपिक्स आपको जो टॉपिक सर्च करना है उसे सिर्फ और सिर्फ आपको की टाइप करना है और वो आपको उस वेब पेज पर जरूर दिख जाएगा नाउ सम ऑफ द मोस्ट यूज सर्च इंजिन आर गूगल एच टी टी पी डब्लू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम बी एच टी टी पी डब्ल्यू 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 डॉट बींग डॉट कॉम एंडो

अपने सर्च इंजन के डिजार्ब लाइक गूगल एट की रिलेटेड टू रिक्वायर टॉपिक इन द टेक्स बुक एंड क्लिक सर्च बटन कोई भी रिलेटेड टॉपिक टेक्स्ट बुक से आप उस पर टाइप करो और उसे उस सर्च पर क्लिक करो नाउ द थर्ड अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड लिंक्स ऑफ वेरियस वेबसाइट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन क्लिक अ लिंक टू ओपन द रिलेटेड वेबसाइट बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड की जाएगी आप कोई भी एक लिंक पर उससे क्लिक कर सकते हैं जो आपको चाहिए लेट सी द इमेज ऑफ ऑफ दिस सी आई हैव सर्च द वर्ड माउस एंड सी सो मेनी वेबसाइट हैज बीन देयर ऑल शॉपिंग इमेज न्यू बुक्स दिस आर द वैराइटीज ऑफ थिंग इट इज शोन इन अ गूगल I hope that you understood about the internet and its uses also. Thank you.